हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकटॉक उम्मीदवार के रूप में चर्चा बटोरने वाली सोनाली फोगाट ने भारत माता की जय को लेकर दिए गए अपने बयान पर खेद जता दिया है। सोनाली फोगाट ने अपनी सफाई में कहा है कि वो सिर्फ उन युवाओं को ये समझाना चाहती थी कि देश के सम्मान में भारत माता की जय बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी की भावना को ठेस पहुंचती है तो वो माफी मांगती है। दरअसल बीजेपी के टिकट पर हरियाणा की आदमपुर सीट से चुनाव लड़ रही सोनाली फोगाट मंगलवार को बालसमंद में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही थी। इसी दौरान उन्होंने लोगों से भारत माता की जय बोलने को कहा और जब कुछ लोगों ने ऐसा नहीं किया तो वो भड़क गई और उन्होंने उन ऐसे लोगों को पाकिस्तान कह दिया, पाकिस्तानी उनको कहा गया है। वहीं इतना ही नहीं, सोनाली फोगाट ने यह भी कहा कि जो भारत माता की जय नहीं बोल पाए उनका वोट किसी काम नहीं है। हालांकि अपने इस बयान पर अब उन्होंने माफी भी मांग ली है। बालसमंद गांव में मेरा एक कार्यक्रम के तहत जाना हुआ और उस सभा में बाकी लोगों के साथ साथ एक साइड में कुछ लड़के भी थे, उसी गांव के थे, कॉलेज के लड़के थे और मेरा उसी गांव में जन्म हुआ है। मैं बालसमंद गांव की बेटी हूं और जब मैंने अपना संबोधन देना शुरू किया और भारत माता का जयकारा लगाया तो उन लोगों ने, यानी उन लड़कों ने भारत माता की जय नहीं बोली, तो मुझे गुस्सा आया और मैंने कह दिया कि क्या आप लोग पाकिस्तान से आए हैं। बस इस बात का इश्यू बन गया और अगर इस बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहती हूं। और चंडीगढ़ से हमारे साथ ब्यूरो चीफ रमेश सिंह जुड़ गए हैं। रमेश, अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए नेताओं को ये सीख दी जाती है और उम्मीदवारों को ये सीख दी जाती है कि आप तमाम तरह की बयानबाजियों से बचे, लेकिन इस तरह का बयान जिस तरह से सोनाली फोगाट के जरिए सुनाई दिया है कि अगर जय माता, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे आप तो आप पाकिस्तानी करार दिए जाएंगे, क्या नुकसान पार्टी को इससे होगा? देखिए, आजाद भारत में आप किसी को प्रतिबंधित नहीं कर सकते कि वो भारत माता की जय बोले या किसी की भी जय बोले, वो आजाद है, वो अपने तरीके से बोले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये जो नेत्री हैं, इन्होंने मंच से जब कहा कि आप भारत माता की जय बोलें और कई लोगों ने जब इस बारे में नहीं बोला तो उनको उन्होंने एक हिसाब से पाकिस्तानी करार दिया, जिसको लेकर के बड़ी फजीहत हुई और बाद में इन्होंने माफी मांगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जहां भी कार्यक्रम होते हैं वंदे मातरम और भारत माता की जय के बाद ही अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारत माता की जय बोलने से कोई विवाद होना चाहिए, लेकिन आप किसी पर जबरन भी नहीं कह सकते कि आप इस प्रकार की बात बोले। तो देखिए, इन चीजों को लेकर के बड़ा विरोध हुआ और उसके बाद जब सोनाली फोगाट को लगा कि अब बात बिगड़ रही है तो उन्होंने इसी चुनाव के मद्देनजर एक अपना वीडियो जारी करके माफी मांगी। उन्होंने कहा कि अगर मेरी शब्दों से, मेरे बयान से किसी को आहत हुए तो मैं उसके लिए माफी मांगती हूँ। लेकिन इन सारे बीच में एक नया विवाद चढ़ गया। अब आदमपुर की जो राजनीति है वो एक नया मोड़ ले रही है। बिल्कुल, बैठे बिठाए कहीं ना कहीं रमेश, बैठे बिठाए सोनाली फोगाट ने अपने लिए एक मुद्दा दे दिया। पहले तो टिकटॉक का मुद्दा था ही, अब एक और मुद्दा यहाँ पर दे दिया गया है अपने सामने वाले प्रत्याशी को। बिल्कुल, देखिए टिकटॉक से फेमस हुई ये लेडी अब कहीं ना कहीं चर्चा का विषय ये बन रही है कि अगर आप इनके सामने जाएंगे और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो आप पाकिस्तानी करार दिए जाएंगे। और कई लोग तो अब इन चीजों को लेकर सोशल मीडिया में ये चीजें कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है हमें पाकिस्तानी तो पाकिस्तान का हमारा आधार कार्ड बनवा दीजिए, आखिर हिंदुस्तान में रहने की जरूरत क्या। तो कहीं ना कहीं इनको इन सारी चीजों को लेकर फजीहत झेलनी पड़ रही है। और अब जब सोनाली फोगाट ने माफी मांगी, देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इनका फायदा होता है या नुकसान होता है। लेकिन एक बार जरूर एक भारत माता की जय और पाकिस्तान के शब्दों से जो है सोनाली फोगाट चर्चा में आ गई है और कहीं ना कहीं इनकी सोशल मीडिया में खूब फजीहत उड़ाई जा रही है। बिल्कुल रमेश, क्या अभी पार्टी की तरफ से उन्हें कोई आदेश या कोई संदेश उन तक पहुंचाया गया है कि बयानबाजी से बचे रहिए या कुछ नोटिस दिया गया हो इसको लेकर? देखिए, पार्टी ने तो अभी, जो हमारी जानकारी है, पार्टी ने उनको ये जरूर कहा है कि
आप इस प्रकार के बयानबाजी मत कीजिए, जो सरकार की योजना है उसके बारे में चर्चा कीजिए, केंद्र सरकार की योजना के बारे में बताइए, लेकिन अभी फिलहाल इन चीजों से बचिए। और जहां तक रही बात की लेकिन भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी जहां पे कार्यक्रम होती है जहां पे होता है वहां पे वो भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, तो दरअसल इन चीजों को तुरंत बदला नहीं जा सकता। लेकिन जी रमेश रोकना चाहेंगे आपको, सोनाली फोगाट जी हमारे साथ खुद जुड़ गई हैं। सोनाली जी, आपने बयान दिया, हालांकि आपने माफी मांग ली, आपको नहीं लगता कि आपका ये बयान पार्टी पर भारी पड़ेगा? आप देखिए, भारत माता की जय कहना कोई गुनाह नहीं है, और अगर मैं अपने छोटे भाइयों को समझा रही थी, लेकिन सोनाली जी आप किसी को बांधित भी तो नहीं कर सकते ना? देखिए, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन एक बड़ी बहन होने के नाते मैं, मेरा वो गांव है, मेरा ननिहाल है, और वो कॉलेज में पढ़ने वाले जो छोटे मेरे से छोटे मेरे भाई थे, क्या मैं उनको इतना नहीं कह सकती? और हम अपने घर में भी किसी को अगर अच्छी चीज सिखाना चाहें तो ये कोई मेरा गलत उद्देश्य नहीं था उनको ये कहना कि क्या पाकिस्तान से आए हो, सिर्फ समझाने के वजह से किया था। अगर हमारा आज युवा जागरूक नहीं होगा, देश के प्रति देशभक्ति की भावना नहीं होगी, तो क्या देश के लिए काबिल रहेंगे? तो मेरा तो यही कहना है कि सोनाली जी, आज सोनाली जी, अब ये जो बयान है ना आपका, ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जमकर लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं, क्या एक ये पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं? हालांकि आपको पब्लिसिटी की जरूरत नहीं है, आप काफी टिकटॉक पर फेमस हैं। देखिए, मैं तो एक छोटे से किसान की बेटी हूँ, और मेरे सामने जो चुनाव लड़ रहा है वो हजारों करोड़ का मालिक है, और मुझे मतलब रास्ते से हटाने के लिए उसने जो कुछ भी करना है वो कर रहा है, और मैं किसी की बातों में आने वाली नहीं हूँ। मेरे मन की बात थी ये कि मैं किसी को समझा सकूँ कि भारत माता की जयकार बोलने में कोई बुराई नहीं है, भाइयों बोलना चाहिए, हम कोई पाकिस्तान से आए हुए नहीं है, हमें भारत माता की जय में ही हमारी विजय है। लेकिन सोनाली जी, अब तो आप इसको स्वीकारती हैं कि इस तरह के बयानबाजी से आपको बचना होगा, जबरदस्ती आप किसी से भारत माता की जय नहीं बुलवा सकती, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं बैठे बैठाए अपने प्रतिद्वंदी को मौका दे दिया है यहाँ पर। अगर इसमें आप लोगों को ऐसा लगता है कि वो मेरे से कहीं आगे बढ़ जाएगा और कुछ इससे उसको फायदा होना है, तो मैं दूसरों की नहीं कहती, लेकिन मेरे लिए मेरा देश पहले है, मेरे देश की विजय पहले है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं कि मैं विधायक बनूं, तो पहले देश का सोचूंगी, उसके बाद मुझे मतलब क्या जरूरत है, मुझे मेरी पार्टी ने चुना जरूर है मुझे विधायक बनने के लिए, पर मैं देश के लिए सोच के विधायक बनूंगी, उसके काम करने के, लोगों के काम करने के लिए विधायक बनूंगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनाली जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। रमेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।